चिकन रोस्ट ऐसा होना चाहिए जिसका ग्रेवी का टेक्सचर देख के पता चल जाएगा ये कितना जूसीला टेस्टी चिकन रोस्ट बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा, चली आई हूँ मैं एक नए रेसिपी के साथ। स्वागत है आपको मिसेस सुरैया में। दोस्तों, मेरे हाथ में है चिकन के लेग पीस, ये देखिए आज मैं चिकन के रोस्ट बनाऊंगी। और दोस्तों, मैं आज कोई ढाबे स्टाइल या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बोलूंगी, आज मैं घर के देसी स्टाइल में बनाऊंगी। हर वक्त ज्यादा मसालों से बनाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ कम मसालों से अगर ज्यादा स्वाद मिलता है तो मैं वही चुनूंगी। तो दोस्तों, आप कौन सा चुनेंगे, ज्यादा मसालों से बनाना चिकन रोस्ट या फिर कम मसालों से बनाना चिकन रोस्ट, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको मैंने बताया है घर के देसी स्टाइल में कम मसालों से होगा, कम समय में और कम ऑयल में होगा। तो दोस्तों, चलिए रेसिपी को शुरुआत करती हूँ। और इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन के भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो एक पीस हमने हाथ में लिया है, चिकन के पीसेस में हम अभी जीरा लगाएंगे ताकि सभी मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर जा सके। पीसेस में जीरा लगाने के बाद आप सब मसालों का पेस्ट बना लेंगे। आप चिकन को मैरिनेट करेंगे, एक एक करके सभी मसाला डालोगे। प्याज का पेस्ट, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च और टमाटर का पेस्ट, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, सरसों का तेल। अब सभी मसालों को चिकन में मिलाएंगे। थोड़ा और सरसों का तेल चाहिए, बस और नहीं लगेगा। अब अच्छी तरह से चिकन में सभी मसालों को मिलाऊंगी। अब आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब स्टोव को ऑन करके हम कढ़ाई चला देंगे, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, फिर हम सरसों का तेल डालेंगे। अब एक एक करके सभी चिकन का पीस डालेंगे। अब देंगे स्वाद अनुसार नमक, अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो दोस्तों, जितना अच्छे से मसाला और चिकन भून जाएगा उतना ही ग्रेवी में स्वाद बढ़िया आएगा। अगर मसाला कच्चा आता है तो स्वाद बिगड़ जाता है। तो कुछ देर चिकन और मसालों को भूनने के बाद आप डालेंगे टोमेटो केचप। देखिए दोस्तों, हमने चिकन में कोई पानी नहीं डाला है और देखिए इतना तेल छोड़ा है चिकन से, ये देखिए। अब कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। लगभग चिकन रोस्ट हो चुकी है, अब 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो दोस्तों, चिकन पक चुकी है। अब अंत में डालेंगे थोड़ा सा शक्कर। चिकन रोस्ट तैयार हो चुका है, अब सर्व करने की बारी।